स्केल स्केल यानी हमने जब भी
ओके ना पे हमको लिखने के लिए या जो भी टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क कराती है उसको हमको करने के लिए क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेन। ना डस्टबिन, हर क्लास के अंदर डस्टबिन होने चाहिए ताकि हम जो बेकार की मटेरियल है, अनयूज वाले हैं, उनको हम डस्टबिन में डाल सकते। और उसके बाद है बैग। बैग बैग नहीं, जब हमारे पास बैग ही नहीं होगा तो हम अपना टेक्स्ट बुक नोटबुक किसके अंदर रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें स्कूल के क्लासरूम के अंदर हमारे क्या होने चाहिए, बैग होने चाहिए। ओके ना चार्ट। चार्ट अक्सर आप स्कूल में आते हो तो देखते हो ना, आपकी क्लास में चार्ट है ना। चार्ट पे मैंने पढ़ाती है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाती है ना, वैसा चार्ट हमारे क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे देखा है आप लोगों ने। आपके स्कूल में चार्ट है और मैम उसमें आपको चार्ट पे एबीसीडी कराती है। ओके, तो मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं वो इतने सारे पिक्चर क्लासरूम के अंदर होने चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए, चॉक होनी चाहिए, डस्टर होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए। ये सब चीज अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे किस पे, टीचर हमको स्टडी किस पे कराएंगे? तो सबसे पहले तो हमारे क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारा जिसपे हमने ये इतने सारे पिक्चर ड्रॉ किए हैं और बनाए हैं वो, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड। क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड। अगर हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो हमको टीचर कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें सबसे पहले चॉक और डस्टर की जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास होना चाहिए। अगर चॉक और डस्टर नहीं होगा तो मैम किस तरह से लिखेगी और किस तरह से इरेज करेगी? अगर चॉक होगा तभी तो जो भी लिखना होगा मैम मुझे लिख के समझाएगी और उसको इरेज करेंगी, दोबारा जो चीज लिखना होगा उसको लिख के समझाएंगी। ओके, अभी देखो आपके बुक ओपन किए हो तो देखो आपकी बुक में दिया है आईएलपी टीएचटी द क्लास रूम। ये जो है वो हमारा क्या है, क्लासरूम है और इस यहाँ पे बच्चे बैठ करके क्या कर रहे हैं, स्टडी। देखो टीचर ब्लैक बोर्ड पे करा रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? इंग्लिश। टीचर कौन सा? और मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? जीके। ये टीचर के अंदर जो टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट, एबीसीडी, क्या कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। और जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ वो कौन सा है? जीके। अब यहाँ पे देखो पिक्चर में क्या क्या है, डेस्क, बुक, ग्लोब, इरेजर, सॉफ्टनर, पेन, स्केल, बैग, टीचर, ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन, चार्ट। ये हमारे जो है वो क्लासरूम के अंदर होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड होने चाहिए और उसके बाद टीचर होने चाहिए। ओके ना, उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, डेस्क, बुक, ग्लोब, इरेजर, सॉफ्टनर, स्केल, पेन, बैग, टीचर, ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन और चार्ट। यानी ये सब चार जो चीजें हैं वो हमारे क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले ओरली में बता देती हूँ आपको, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड, टीचर, चॉक, डस्टर, डेस्क, बुक, शार्पनर, इरेजर, स्केल, ग्लोब, डस्टबिन, पेन, बैग, चार्ट। ये सब सारी चीजें जो है वो तो हमारे क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो आपको अपने बुक में पिक्चर को देखना है और उसके बाद उसके नाम को बोलना है कि ये क्या क्या चीजें हैं और इसकी स्पेलिंग क्या है, आपको स्पेलिंग के साथ बोलना है।
वेयर बी डबल ओ के बुक जी एल ओ बी ई ग्लोब आपको इस तरह से पढ़ना है स्पेलिंग के साथ एस एच ए आर पी ई एन ई आर शार्पनर इरेजर ई आर ए एस ई आर इरेजर स्केल एस ई ए एल स्केल पी ई एम पेन बी ए जी बैग टी ई ए सी एच ई आर टीचर चार। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसकी स्पेलिंग भी आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार और बता दो आपकी क्लास के अंदर क्या क्या होंगे डेथ बुक साफ्टवेयर फ्लो डस्टबिन पेन बैग चार्ट आपके बुक में बता दो डेथ बुक ग्लोब शॉर्पनर इरेजर स्केल पेन बैग टीचर डस्टबिन चार्ट ब्लैक बोर्ड। ओके समझ में आ गया आपको। तो आप आज जब वीडियो देखोगे तो इस पेज को अच्छी तरह से पढ़ोगे और उसको पढ़ करके स्पेलिंग के साथ और मम्मी को बताओगे पापा को बताओगे कि पापा देखो हमारे क्लासरूम में ये मटेरियल होते हैं। क्या क्या होते हैं डेयर बुक ग्लोब शार्पनर इरेजर पेन स्केल बैग टीचर ब्लैक बोर्ड डस्टबिन चार्ट। ओके तो आप ये चैप्टर को जब पढ़ोगे तो अपने पापा मम्मी को जरूर सुनाओगे डेयर बुक